नमस्कार, 12:10 और 16 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल पता है letsconnect23nsd@gmail.com। आज दिन है बुधवार और बात होती है कुछ कानूनी, उसकी जानकारी की और विस्तार से चर्चा करते हैं। आज इस लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं स्वाति रॉय और मैं हूं अलका सिंह। बात करेंगे इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन के लिए, इसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ स्वाति जी हैं और आप दिल्ली महिला आयोग के रेप क्राइसिस सेल में लीगल काउंसलर के पद पर कार्य कर चुकी हैं और इस समय आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। तो आपका कार्यक्रम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू अलका जी। तो जब हम बात करते हैं इमोरल, तो इसका मतलब ये है कि वो मॉरल नहीं है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हम कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और हमने आपका एक छोटा सा परिचय दिया, थोड़ा सा आप अपना परिचय स्वयं भी दे दें। हाँ जी, मेरा नाम है स्वाति रॉय प्रसाद और अभी मैं काम कर रही हूँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में एज अ मेंबर। ये जुबेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एस्टेब्लिश्ड है और इसका नोटिफिकेशन होता है एलजी की तरफ से। ये 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति होती है और इससे पहले मैं कार्यरत थी रेप क्राइसिस सेल, जो महिला आयोग का है हमारे दिल्ली महिला आयोग का। दिल्ली महिला आयोग का, जी जी जी, दिल्ली महिला आयोग ही सबसे एक्टिव है आज के डेट में। बिल्कुल। एनीवे, दिल्ली महिला आयोग में मैं रेप क्राइसिस सेल की लीगल कंसल्टेंट थी और वहां पर जितने भी रेप केसेस दिल्ली में आते थे उन सबका मॉनिटरिंग होता था। एक बहुत बृहद तरीके से हम वहां पर कार्य करते थे। जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के कोर्ट्स हैं उन सब में अधिवक्ता नियुक्त हैं, उन सारे अधिवक्ताओं को देखना, मॉनिटर करना, गाइड करना, वो मेरा काम उस वक्त में वहां पे था। और रेप क्राइसिस सेल के 2 विंग होते हैं, एक वकीलों का होता है और एक होता है काउंसलर्स का, जो कि ग्रास रूट लेवल पे हमारे लिए काम करते हैं, जिनसे जो पीड़ित है या जो पीड़िता है वो तुरंत पहली बार, जो एक स्टैंडिंग ऑर्डर है पुलिस का 303, ठीक है, उस स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत और एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी है, उन दोनों के तहत पुलिस को ये निर्देश है कि जैसे ही उनके पास कोई यौन पीड़िता आए वो तुरंत सीआईसी काउंसलर उस डिस्ट्रिक्ट की को कॉल करेंगे और सीआईसी काउंसलर पहले आके विक्टिम से बात करेंगी, पीड़िता से बात करेंगी, उनकी बात सुनेंगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो, चाहे 164 का बयान हो। और जब 164 का बयान उनका होता है उस वक्त जो रेप क्राइसिस सेल के वकील रहती हैं कोर्ट में उनसे उनका इंट्रोडक्शन होता है, ताकि अच्छा। जब चार्जशीट फाइलों के आए तो वो वकील उन विक्टिम को प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करवा सके, कॉम्पनसेशन के एप्लीकेशन लगा सके, विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट में कॉम्पनसेशन लगवा सके, जो भी हेल्प है एज पर लॉ प्रोवाइड करवा सके। तो उन सबकी काउंसिलर का, हाँ, ये काउंसलर और लॉयर मिलकर एज अ टीम रेप क्राइसिस सेल ये काम करती थी और उसी रेप क्राइसिस सेल की मैं लीगल कंसल्टेंट थी। तो और अभी आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मैं मेंबर के रूप में काम कर रही हूँ, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से गाइडेड है। तो और इस एरिया में कह लो तो पिछले 12-13 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। अपने कॉलेज लाइफ में भी मैं एक एनजीओ परिवेश करके हैं पटना के, मैं बेसिकली पटना की हूँ, मेरी स्कूलिंग वहीं की है नॉटर डेम से और कॉलेज भी वहीं का रहा। और उसके बाद मैं जब दिल्ली आई तो यहाँ पर आई, जब लॉ कर लिया तो उसके बाद मेरे को फिर से इसी फील्ड ने पुल किया। जब मैं कोर्ट में, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही थी तो मुझे लगा कि ये सेक्टर मेरे लिए नहीं है, सोशल सेक्टर ही मेरे लिए बना है, क्योंकि किसी एक बंदे के चेहरे पे भी मुस्कुराहट देख के जो मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन मिलता था वो शायद लाखों कमा के मुझे नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रही हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि उसकी तो कोई सीमा नहीं होती है कि कितना हम कमाएं और कितना क्या करें, लेकिन फिर भी उसकी हम चाहें तो एक
सीमा बना सकते हैं, लेकिन ये जो आप किसी को कहीं से निकालती हैं, किसी भंवर में फंसा हुआ अगर वो बच्चा है, महिला है, व्यक्ति है, कुछ कोई भी है, अगर जहां पे उसको कोई रोशनी नहीं दिख रही है वहां पे अगर उसे अपना आप हाथ देती हैं और वो पकड़ के अगर वो बाहर निकलता है, तो उसके लिए उससे बड़ी बात और आपके लिए उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन और कोई नहीं होता है। सोशल सेक्टर से जुड़ने का मेन मेरा मोटिव यही रहा, इसीलिए सेक्टर में जब मैं आई तो लोगों के लाखों कहने के बाद भी मैं किसी और सेक्टर में लौट ही नहीं पाई, मैं यहीं से बंध के रह गई और आगे भी लगता है मैं इसी फील्ड में ही काम करती रहूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको अपनी ये तो लगे कि भले ही हम वहां पे कितना भी कमा सकते हैं लेकिन एक ऐसा फील्ड आपका इंतजार करता है और या आप उसके लिए बने होते। कई बार ये भी होता है ना कि हम किसी चीज को नहीं चुनते हैं, डेस्टिनी जो कहते हैं आपको चुन लेता है। एग्जैक्टली, मेरे साथ तो मुझे यही लगता है कि डेस्टिनी ने मुझे चुना है, मैं उसको कहीं चुन पाऊंगी। तो मेरे साथ तो बिल्कुल यही हुआ और फिर जब इस उद्धि में मैं कूदी तो फिर पलट के देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बचपन से ही मेरी एक ही मान्यता रही है कि मैं हूँ उसके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्याय उचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। तो ये हरिवंश राय जी की बच्चन की पोयम है, क्लास सिक्स में मैंने इसको रिसाइट किया था और उस वक्त मुझे प्राइज भी मिला था और ये मेरे जीवन का मूल ही बन गया उसके। तो आज यही स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और आज भी जो हम ये तो आपका परिचय हुआ, फिर आपने आप कैसे इससे जुड़ी या इस फील्ड ने आपको कैसे जकड़ा, कस के जो पकड़ा जिसको आप छोड़ नहीं पाई, तो ये तो हमारी इसलिए भी हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भी, जो महिलाएं, जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो ये समझें कि अगर आप कहीं से भी कुछ भी करना चाहते हैं तो एक न एक कोई ऐसा आदर्श होना चाहिए, या हम किसी की बातों को सुन करके इंस्पायर हो सकते हैं, हम कुछ पढ़ करके हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत जगह हमारी जरूरत होती है और वो बहुत अच्छा लगता है कि जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। तो इसमें जब आज जो हमारा विषय है इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन लॉज के बारे में, तो ये कई बार हम लोग ये देखते भी हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत जो हम लोग जानते हैं उसमें यही होता है कि भाई जैसे कोई किसी को बच्चों को ही कोई उठा के ले गया या बाई चांस कोई इसमें फंस गया, बहुत सी चीजें होती हैं, बच्चियां हैं छोटी वो नहीं समझ पाती हैं कि वो कहां जा रही हैं, कई बार वो भ्रमित भी हो जाती हैं, हो सकता है कि कुछ शिक्षा की कमी हो, कभी कभी संस्कारों की कमी हो या कुछ ऐसा परिवेश परिस्थिति बन जाती है। तो ये जो इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन लॉ है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं कहूंगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जहां तक सवाल है ये एक बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, ये कोई आज के एक दिन का बना हुआ नहीं है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिफरेंट लेवल्स पे होता है, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन होता है, इसमें सेक्सुअल असॉल्ट इन्वॉल्व होता है, इसमें फोर्स्ड लेबर इन्वॉल्व होता है, इसमें ऑर्गन ट्रेड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो गलत चीजें होती हैं वो तो बहुत जल्दी पनप जाती, किसी को आसान पैसा दिखता है, कोई दिखता है लाचार व्यक्ति तो लाचार व्यक्तियों का फायदा उठाने वाले भी अनगिनत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जैसे उनकी मदद करने वाले अनगिनत हैं, तो मदद करने वाले भी अनगिनत हैं और फायदा उठाने वाले भी अनगिनत हैं। तो मदद तो पहुंचती है, ठीक है, और जो गलत चीजें होती हैं वो तो झट हो जाती हैं। तो जो भी हमारे निचले तबके के लोग हैं या जहां पर पढ़ाई की बहुत कमी है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ड्रॉबैक है, बहुत उन्नति की बातें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन जगह से बच्चों को या फिर महिलाओं को, बच्चियों को वहां से ल्योर करके, आकर्षित करके, झूठे झूठे सपने दिखा के शहरों में ले आया जाता है, या तो उनको डोमेस्टिक लेबर के तौर पे या फोर्स लेबर के तौर पे, नहीं तो प्रोस्टिट्यूशन में उनको बेच दिया जाता है। तो ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो इसी के लिए हमारे देश ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रोविजन है और हमारे देश में भी इसका कानून है, ठीक है। पहले 1956 में immoral ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन ITP एक्ट बना, फिर उसमें अमेंडमेंट आया 86 में, फिर उसके बाद मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और डिफरेंट लॉज हैं इसको कवर करने के लिए। सिर्फ एक लॉ में अगर आप बांध के रख देंगे तो जैसे कि ITP एक्ट है, ITP एक्ट मेनली फोकस्ड है प्रोस्टिट्यूशन पे,
अच्छा ठीक है, तो इसीलिए उसके अलावा आपके पास लेबर लॉज है, उसके बाद और ऑर्गन डोनेशन के लॉज हैं, उसके बाद आपके लिए कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लॉज हैं, ठीक है, तो डिफरेंट लॉज है, बेगरीज के लॉज हैं, तो अलग अलग लॉज फॉर्मुलेट हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, हमारे आईपीसी में प्रोविजन है उन सब चीजों को कवर करने के लिए, जिसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज अ होल कवर होता है। आपको एक बात और बताती हूँ अलका जी, सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अधिकतर महिलाएं और बच्चे ही हैं। बच्चे ही हैं, बिल्कुल वल्नरेबल हैं वो, एक तरह सबसे वल्नरेबल वही टारगेट, सॉफ्ट टारगेट है। और ये कहाँ से पिक होते हैं बच्चे? ये गांवों से नहीं पिक होते हैं, ये पिक होते हैं क्लस्टर्स से, जो जैसे कि कुछ लेबरर्स आए किसी दूसरी जगह में माइग्रेट करके काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, तो वो माँ बाप बच्चों को छोड़ के एक जगह खुद काम पे लग जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो वो सब सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं इनके, और वो वहां से उनको पिक करके या चॉकलेट दिखा के या कुछ भी दिखा के फिर वहां से उन बच्चों को गायब कर दिया जाता है। और विद इन, मतलब समझ लीजिए विद इन मिनट्स, एक जगह से दूसरे बच्चे, जगह से दूसरे जगह बच्चे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कई बार जब ये बहुत दुखद स्थिति है, इसलिए जब कई बार हम भी जब छोटे थे तो ये कहा जाता था कि देखो कोई कुछ भी दे बिल्कुल मत लेना, और बिल्कुल मत लेना चॉकलेट, मत लेना ये सब चीजें, मत लेना, और कोई कुछ कहीं ले जाए कहीं पूछे तो बिल्कुल ये सब चीजें मत बताना। और अगर तुम्हें लगे कि आज भी हम बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि अगर कोई तुम्हें कहे कि कई बार होता था कि भाई वो बीमार है या मम्मी बुला रही, मम्मी बुला रही हैं, पापा बुला रहे हैं, तो इन सब चीजों पे आप ध्यान ना दें। बातें तो बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन ये इतना बड़ा कानून जो बना है वो उसी को लेकर के जब वो चीजें हम नहीं समझ पाते हैं या कई बार अनजाने में या जाने में ही जब ये चीजें होती हैं तो फिर इतना बड़ा जो ये पूरा कानून इसके लिए बनाया जाता है। तो हाँ बताइए, एक बात बताऊं अलका जी, उस वक्त में जब माँ कहती थी कि किसी से बात नहीं करना, क्यों तुम उससे बात कर रही थी या वहां पे क्यों गई थी, तो बहुत बुरा लगता था, बुरा लगता था बिल्कुल, कि क्या टोका डाकी करती रहती है, गुस्सा आता था, सब होता था। एक बार बास्केटबॉल टीम के लोग ने मुझे बुलाने के लिए आए थे, मैं स्कूल ड्रेस में ही थी, स्कूल ड्रेस उतर के घर के अंदर आई तो पीछे पीछे आए, बेल बजाया उन्होंने, मम्मी ने उन्होंने डांट के गेट पर से ही भगा दिया। उस वक्त मुझे बहुत रिटेलिएशन हुआ था, लेकिन जब मैंने लेटर ऑन इन लाइफ इस सेक्टर में आई और एक क्राइसिस सेल मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद तो मत पूछिए मेरी आंखें जो खुली है ना, मुझे लगता था जो मेरी माँ ने क्या कमी किया, शायद उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट गार्जियन मैं आज के डेट में अपनी बेटी के लिए हूँ, कि हर छोटी छोटी चीज पे टोकती हूँ, कि आज टोक दूंगी तो वो सीख लेगी, अगर नहीं टोकूंगी तो वही पछताएगी, शायद वो भी बड़ी होकर समझे कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। लेकिन आज मैं अपनी माँ का ही धन्यवाद करती हूँ कि उस वक्त में हमें बचा बचा के एक एक कदम बढ़ा के आगे की ओर रखा। बिल्कुल, यहाँ बैठे हैं बिल्कुल। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोता newsonair.com/urdu को देख सकते हैं, और हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। आज दिन है बुधवार, बात होती है कुछ लीगल, आपको जानकारी दी जाती है किस तरह से अगर कभी कोई समस्या हो तो उसे कैसे बाहर निकला जाए, कहां आप अपनी बातों को बता सकती हैं, कैसे बता सकती हैं, क्या क्या रेस्क्यूज हैं, क्या क्या मेजर्स हैं, इन सब पर बात होती है। और आज हमारी मेहमान हैं स्वाति रॉय और मैं हूं अलका सिंह। तो कई बार ये भी जब हमने इसकी बात की, इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोविजन लॉज की बात की, और फिर ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए कई कन्वेंशंस और हुए हैं जिसमें भारत की भी मजबूत भागीदारी रही है, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, सार्क कन्वेंशंस भी हैं और बायलेटरल मैकेनिज्म्स भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये क्या है, थोड़ा सा इस पे अगर आप बताएं। हाँ,
ये डिफरेंट कन्वेंशन होता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तो सारे देश थ्रू यूनाइटेड नेशन एक जगह एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग को हम कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान भी उस कन्वेंशन का एक इम्पॉर्टेंट भागीदार रहा है, चाहे वह कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड रहा या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल रहा, उन सब में भारत की बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सेदारी रही है। और उन सब में जब वो भाग लेके वापस हमारे यहाँ आए हैं तो डिफरेंट लेजिस्लेशंस में एट डिफरेंट लेवल्स चेंजेस भी लाए गए हैं, चेंजेस भी लाए गए हैं, न्यू एक्ट्स भी इनैक्ट हुए हैं, जैसे आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस हो गए हैं वो भी यूएन कार्टर पे चुकी साइन सिग्नेटरी से हम इसीलिए हम वो लेके आए, हमने उसको फॉर्मुलेट किया, फिर फर्दर चेंजेस किया, तो वो उन्हीं सबके वजह से। जैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका एक सिग्नेटरी नहीं है, यूनाइटेड नेशन कार्टर फॉर चिल्ड्रेन जो हुआ था उसमें वो एक सिग्नेटरी नहीं है, इसीलिए उनके लॉज डिफरेंट है, ये जे लॉज हमारे यहाँ है, ठीक है, जहाँ पर हम बच्चों को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारा एक स्पेशल एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, उसके बाद हमने अपने क्रिमिनल लॉज में चेंजेस लाए, हमने नए लॉज इम्प्लीमेंट किए ताकि ट्रैफिकिंग को, ऑर्गन ट्रेड को हम कहीं ना कहीं करब कर सके। ये सब इंटरनेशनल कन्वेंशन की ही बदौलत हो पाया, जब सब एनलाइटेंड हुए कि ऐसा होना चाहिए, सबने उसको एक्सेप्ट किया, और उससे परेशानी होती है अगर ये चीजें नहीं होती और ये मजबूत नहीं होती है, अगर ये कानून मजबूत नहीं होते बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे दो देशों के बीच में समझौता हुआ, बायलैटरल जो बायलैटरल मैकेनिज्म्स हैं कि आप वो हमारे यहाँ के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग आपके यहाँ आते हैं तो आप हाँ आप उनको वापस हमारे पास करोगे, हम आपके लोग आएंगे तो वापस करेंगे, तो ये सब अग्रीमेंट्स पे साइन हुए जिसके तहत अभी भी हम काम कर रहे हैं और अभी भी हमें और आगे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर दिन कुछ नया निकल के आ रहा है, फिर उस हिसाब से कानून में बदलाव आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि पॉक्सो एक्ट आया, उससे पहले निर्भया कांड के बाद ही पॉक्सो एक्ट हमारा आया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, ये भी निर्भया के ही बदौलत आया था कि इतना चेंजेस हमारे लॉ में आया और इतना स्ट्रिंजेंट। अभी वो जो 12 साल से नीचे जो भी अगर बच्चियों के साथ ऑफेंस करेगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको रिकॉग्नाइज राजस्थान में भी हुआ है। तो ये सब इसी की वजह से है कि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि लोगों को उसमें बदलाव, कानून में बदलाव करना पड़ता है, तो इसी तरह से डिफरेंट स्टेजेस पे ये कानून में बदलाव आते गए हैं। तो अभी जैसे ये हमारा इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रोहिबिशन एक्ट है, तो इसमें बेसिकली हमने फोकस किया है प्रोस्टिट्यूशन पे कि मतलब जैसे यही इमेजिन किया गया जब इस एक्ट को बनाया गया था कि ये जो ट्रैफिक होके जाती हैं लड़कियां और औरतें, इनको प्रोस्टिट्यूशन के ट्रेड में डाला जाता है, तो इसीलिए जो उनको ट्रैफिक करते हैं उनके लिए सजा है, जो वुमेन्स होती हैं उनके उनको सुधार गृह में रखा जाता है ताकि वो रिहैबिलिटेट हो सके फर्दर अपने लाइफ में, तो ये सब ये प्रोसेस है, ठीक है। और जैसे कि अभी बच्चियां होती हैं, बच्चियों को रेस्क्यू किया जाता है बेसिकली, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो बच्चों को रेस्क्यू होता है, तो रेस्क्यू की हुई बच्चों को फिर प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उनको भी सुधार गृह में मतलब उन बच्चियों को तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखा जाता है, होम कहते हैं उसको गृह, तो उन गृहों में रख के उनको उनके ऊपर काम किया जाता है, जिनको पढ़ने में दिल लगता है उनको पढ़ाया जाता है, जिनको मतलब पढ़ाई की उम्र मानो निकल गई है हम नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर उनको कुछ काम कुछ क्रिएटिव चीजें सिखाई जाती हैं ताकि वो अपने स्वावलंबी बन सके, नए सामाजिक जीवन के लिए वो तैयार हो सके और वापस उनकी उसी दिशा में जाने की प्रवृत्ति ना रह जाए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली तो ट्रैफिकिंग नहीं होते हैं, जैसे कि जिनकी माए ट्रैफिक होकर लाई हुई थी, है ना, ऐसे भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि माए उनकी ट्रैफिक होकर लाई हुई थी और आज के डेट में वो अभी काम करती हैं उसी सेक्टर में, अब उस सेक्टर को वो छोड़ नहीं सकती है, आजीविका का कोई आधार नहीं रह गया है, लेकिन उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखा जाता है, उनको प्रॉपर केयर प्रोटेक्शन दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, मतलब यू वोंट बिलीव दे आर स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट schools of Delhi, ठीक है, एंड लेटर ऑन इन लाइफ वी होप दैट दे बिकम सक्सेसफुल पीपल एंड दे पुल आउट देयर मदर्स
अच्छा, इसी में एक सवाल, मतलब इसी सवाल से, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे समझ लीजिए कि उनकी माँ अगर उसमें है और आपने कहा कि वो दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब क्या वो जो साथ में पढ़ते हुए बच्चे होते हैं और उन बच्चों में क्या कोई मानसिक उसमें या कोई फर्क होता है, या वो बच्चे उनको पता क्या पता होता है, और अगर पता होता है तो फिर उनका उन बच्चों के साथ कैसा ये होता है, कोई ऐसा केस आया हो इस तरह से? देखिए, बच्चों को मोटा मोटा पता तो होता है, अगर वो बहुत कम उम्र में नहीं आए, 10-11 साल की उम्र में हमारे पास आए हैं तो मोटा मोटा उनको पता तो होता है कि उनकी माँ क्या काम करती है, ठीक है, लेकिन जब उनके स्कूल में एडमिशन कराए जाते हैं तो उनके उस आइडेंटिटी को हम कभी रिवील नहीं करते, वो किसी न किसी एनजीओ के थ्रू, किसी न किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के थ्रू वो बच्चे उन स्कूलों में एडमिट होते हैं, और जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं या जो इंचार्ज होते हैं वो एज ए गार्जियन बच्चों को एक्ट करते हैं। अच्छा, उन बच्चों को हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन डिक्लेयर करते हैं और वो उनके गार्जियन के रूप में एक्ट करते हैं, तो दे बिकम द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। फर्क तो एज सच स्कूल वाले नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों के मन में अगर कोई ऐसी भावना आती है तो उसके लिए रिगरस काउंसलिंग सेशंस होते हैं, मतलब वो उस बच्चे के मन में, हाँ, वो उस पर्टिकुलर गृह में जहां वो रह रहा है बच्चा, तो वहीं पर उसकी काउंसलिंग वगैरह कंडक्ट की जाती है कि नहीं तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम सबके समान हो, ऊपर वाले ने तुम्हें ये एक मौका दिया है अपने जीवन परिवर्तन करने का, तुम्हें जीवन परिवर्तन करना है, तो वो पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा भर दी जाती है कि उसके मन में वो नेगेटिविटी का कहीं स्पेस नहीं रहता है वो, लेकिन उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि जब वो छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तो फिर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, लेकिन वही तरीका है कि उनको इतनी काउंसलिंग करो, इतने उनके मन में पॉजिटिविटी भर दो कि वो जीवन की ओर इतने उत्साहित हो जाएं कि उनमें मन भूल जाए, मतलब एक तरह से उसको भूल जाएं और वो चीजें उसके आगे बढ़ने में जो है कहीं रुकावट नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और निश्चित रूप से बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारी मेहमान स्वाति रॉय और मैं हूं अलका सिंह, और बातचीत हो रही है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन की। और इसमें जब हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, जो वल्नरेबल होता है, वो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, और वो बच्चियां छोटे कम उम्र की बच्चियां होती हैं, वो महिलाएं होती हैं, और अगर वो इसमें फंस जाती हैं तो उनको कैसे निकाला जाता है, कैसे उनकी काउंसलिंग होती है, वो बच्चे जो इसमें नहीं हैं लेकिन अगर उनकी माएं उसमें हैं तो उनको किस तरह से उनकी काउंसलिंग करके उनमें इतनी पॉजिटिविटी, जैसा कि आपने कहा, और आप तो क्योंकि इससे सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं तो इसमें आपको उन बच्चों में जो उनकी काउंसलिंग से पहले की स्थिति और काउंसलिंग के बाद की स्थिति, दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क आपको नजर आता होगा, या उन महिलाओं में भी ये चीज नजर आती होगी। तो इसमें जैसे हमने कन्वेंशन की भी बात की और अभी हमने उसकी भी बात की कि इसको किस तरह से केसेस जो भी हैं, तो इसमें जब हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो लॉज बने हैं 2013 के हैं, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ किस तरह से है? हाँ जी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो पास हुआ था, इसमें जो मेजर चेंजेस आए 370 जो धारा 370 थी आईपीसी की, और 370A और 373, ये तीनों में चेंजेस आए। 370 बेसिकली डिफाइन करता है ट्रैफिकर कौन होता है। अच्छा। और ट्रैफिकर कौन होता है और उस ट्रैफिकर को कितने सालों की सजा मिलेगी। अच्छा। किस तरह की ट्रैफिकिंग वो करेगा तो उसे कितने सालों की सजा मिलेगी। जैसे अगर वो ट्रैफिकर जो है वो एक इंसान को उठा के लाता है, अच्छा, 7 साल की सजा है। अच्छा, ठीक है, नॉन बेनेबल, ठीक है। हाँ, हाँ। और एक इंसान से ज्यादा उठा के लाता है तो उसको है 10 साल या लाइफ। अच्छा, पूरे लाइफ के लिए। अच्छा, ये भी नॉन बेनेबल है। हाँ, हाँ। उसके बाद अगर वो एक माइनर को उठा के लाता है, एक माइनर को
तो 10 साल या लाइफ, ठीक है, और एक से ज्यादा माइनर को उठा के लाता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। माइनर में लड़का या लड़की, हाँ माइनर तो माइनर है, हाँ ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए पुलिस या पब्लिक सर्वेंट इस चीज में इन्वॉल्व है और वो पकड़ा जाता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ओके, उसके लिए तो कोई रेस्क्यू ही नहीं है, ईयर्स उसके लिए नहीं है वो, तो क्योंकि बात यह है कि आप जिम्मेदारी वाले पद पे हैं और तब आप इस तरह से कर रहे हैं। उसी तरह से आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे कि अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में रह रहे किसी बच्चे के ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है उसको कोई रियायत नहीं है, उसके ऊपर पॉक्सो 6 लगता है, 7 साल से ऊपर की सजा होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट इसीलिए बना कि देखा गया कि जैसे हॉस्टल में कोई रह रहा है बच्चा या बच्ची और हॉस्टल वार्डन या इंचार्ज उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए ताकि वो ना करें, वो डेटरेंट हो जाए उस चीज के लिए, इसीलिए इतना स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दिया गया है। और वैसे भी ये होता है ना कि जब कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या ऐसे ही सामान्य व्यक्ति पावर रिलेशन करता है, पावर रिलेशन जहां होता है ना तो पावर का मिसयूज होता है, अगर उस पावर के मिसयूज के लिए एप्रोप्रिएट पनिशमेंट नहीं होगा तो वो रुकेगा नहीं, वो मिसयूज होगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए और वैसे भी जब अगर कोई समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई इस तरह की गलती करता है तो उससे गलती की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, और अगर वो इस तरह से करता है तो निश्चित रूप से वो सजा जो है वो बहुत कड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से 373 है, 373 है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ माइनर चिल्ड्रन, इसमें भी आपको डिफरेंट 7 साल से लेकर लाइफ की इम्प्रिजनमेंट है अगर आप किसी माइनर को खरीदते हुए या बेचते हुए या आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया गया तो ये मेजर अमेंडमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रैफिकिंग। और 370A ट्रैफिकिंग, एक हो गया ट्रैफिक करके लाया हुआ, एक हो गया ट्रैफिक हुए हुए बच्चों को जो यूज करता है, जो अभी मैंने भी पढ़ के आपको बताया कि जो यूज करवाता है, जैसे यूज जो करवाता है उसको 5 से 7 साल की सजा है, जो उसको डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होता है, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसको 5 साल की सजा है। तो ये 370 हो गया ट्रैफिकर के लिए, और जो ट्रैफिक किए हुए बच्चों को यूज करता है 370A है, और 373 है जो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं माइनर बच्चों के, वो 373 सेक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। और इसी में फिर जब हम बात करते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की भी जब हम बात करते हैं, ये भी नया ही है और 2012 का है, इसमें भी कुछ चेंज हुआ है अभी? हाँ हाँ, इसमें वही 12 साल वाले उम्र वाला जो चीज है वो चेंज हुआ है। वैसे इसमें जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट तो खुद ही बहुत नया है और 2012 में ये इनैक्ट हुआ था निर्भया के कंपनी लॉ अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही ये भी आया था 2012 में, ये इनैक्ट हुआ था एक्ट, और ये बेसिकली बच्चे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के शिकार होते हैं उनके लिए ये है, चाहे वो अपने घर के अंदर शिकार हो रहे हों या घर के बाहर शिकार हो रहे हों। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है और नॉन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, इन दोनों में क्या है? एग्रीवेटेड हो गया वो जो कि जैसे मैंने बताया आपके पोजेशन में जो बच्चा है उसके साथ अगर आप गलत कर रहे हो तो वो आपका एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाए। सुरक्षा की जिम्मेदारी जो आप पे जिम्मेदार है बच्चा, उसके साथ अगर आप गलत कर रहे हो या करवा रहे हो तो उस केस में आप एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर में आते हो, और जो बच्चा मतलब अननोन पर्सन के थ्रू अगर हो रहा है तो वो उसमें आपको सेक्शन 4 में कवर होता है। पेनिट्रेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एक होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया जबकि उसका यौन शोषण होता है जिसमें पेनिट्रेशन होता है किसी भी चीज का, चाहे वो फिंगर हो, ऑब्जेक्ट हो, ऑर्गन हो, उससे अगर पेनिट्रेशन हो रहा है और अननोन व्यक्ति कर रहा है तो सेक्शन 4 में वो कवर होता है, और नोन व्यक्ति अगर कर रहा है तो वो सेक्शन 6 में कवर होता है। अच्छा, तो नोन व्यक्ति में फिर इसमें भी सजा का प्रावधान अलग अलग होगा? इसमें भी सजा, हाँ हाँ, इसमें भी सजा का प्रावधान अलग अलग है, 7 to 10 years और 5 to 7 years। उसके अलावा एक चीज इसमें बताने वाली बात है कि जो भी बच्चे सेक्सुअल ऑफेंस के शिकार होते हैं वो कॉम्पनसेशन के अधिकारी होते हैं, जो शिकार होते हैं, हाँ, जो बच्चे जिनके ऊपर ये ऑफेंस हुआ रहता है उनको कॉम्पनसेशन मिलती ये है। 12 साल से कम की बात करें, माइनर सारे माइनर्स के लिए है। अच्छा, और माइनर नहीं, मेजर के लिए भी है। अच्छा, जो भी सेक्सुअल ऑफेंस के शिकार होते हैं दे आर एंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम DLSA, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डालसा जो अपना है, उनके थ्रू उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है और उचित कार्रवाई के लिए, जैसे किसी को मेडिकल रिक्वायरमेंट है, किसी को पढ़ाई नहीं हो रही है, या माँ बाप इतने गरीब हैं कि खाने का खर्चा नहीं उठा रहे हैं, मतलब जिसके सेक्सुअल ऑफेंस हो गया है तो ट्रॉमा हो गया उसके साथ, वो तो एक जिंदगी भर के लिए उसके साथ स्पेशल केयर चाहिए उस बच्चे को निश्चित रूप, और वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में हमारे पास कॉम्पनसेशन का भी प्रावधान है। एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगाने पे
फिर वो कॉम्पनसेशन ग्रांट होता है थ्रू द पॉक्सो कोर्ट और द एप्रोप्रिएट कोर्ट इन केस ऑफ मेजर्स, ये होता है। बिल्कुल। और इसी में फिर जैसे जब बच्चों की ही बात चल रही है, लड़कियों की बात, महिलाओं की ही बात चल रही है, तो उसमें एक प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना, वैसे तो ये माना जाता है, ये 2006 का जो है उसमें ये वैसे तो माना जाता है कि ये चीजें अब खत्म सी हो गई हैं, जैसे पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी लेकिन अब बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि वैसे तो हम कर रहे हैं लेकिन अगर जो पकड़े गए तो फिर इसमें फिर बच नहीं पाएंगे हम, तो ये भी कहीं ना कहीं चीजों को बच्चों को जो, क्योंकि वो दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, शरीर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, तो उसको लेकर के उस पर भी बच्चों पे असर तो पड़ता ही होगा। बिल्कुल, बच्चों पे इसका भी असर पड़ता है। वैसे आप सही कह रहे हैं अलका जी कि दिल्ली स्टेट में तो चाइल्ड मैरिज बहुत कम है, अदर देन दिल्ली ये चीज ज्यादा हो गई, या फिर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स जो सीमाएं हरियाणा या राजस्थान की तरफ से लगती हैं उन सब जगहों पे ये चीजें सुनने में आती भी हैं। तो हाँ, ये बात जरूर है कि अब सबके दिमाग में ये बात आ गया है कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी तरह से आधार कार्ड या समहाउ वो 18 साल का पूरा करके ही शादी करते हैं, लेकिन फिर भी केसेस तो आ ही जाते हैं इस तरह के भी, और उस केसेस में जब बच्चियां आ जाती हैं, खड़ी हो जाती है कि नहीं मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के करवाई है, और जब स्कूल सर्टिफिकेट हम मंगवाते हैं तो पता चलता है बच्ची 16 साल की ही है, तो अच्छा। पेरेंट्स फिर उसमें फंसे चले जाते हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन होता है ऑफकोर्स, तो और भी केसेस, हाँ ऐसे भी केसेस भी होते हैं, और उसमें फिर हस्बैंड पे पॉक्सो एक्ट लग जाता है, मदर फादर पे अबेटमेंट लग जाता है, शादी करवाई जबरदस्ती एक 16 साल की लड़की सेक्शन 17 पॉक्सो का इन्वोक हो जाता है, अबेटमेंट लग जाता है उनके ऊपर, तो ये सारे कुछ हैं और ये सारे हमारे समझ में आते हैं। और अब उन बच्चियों को फिर हम स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन देते हैं, अपने पास रखते हैं, देखते हैं जो पढ़ी लिखी रहती हैं फिर उनको फिर पढ़वाते हैं, इसी बात से निकल के आता है ना वो रेस्क्यू वाला जो आपको पॉइंट एक में बताती हूँ, हाँ तो उसमें फिर वो जैसे कि चाइल्ड मैरिज से रेस्क्यू होकर लाई बच्ची को, फिर उसके पास रखे, जब होम में रही तो मतलब लड़की तो पूरी तरह से ही परिवर्तित होगी, 9th तक पढ़ी थी, 10वीं का एग्जाम दिया, टेलरिंग सीखी, तो टेलरिंग सीख के वो टेलरिंग मास्टरी होगी, फिर पेरेंट्स आए ले जाने के लिए उसको, तो जाने को तैयार नहीं कि नहीं मैं अपना खर्च खुद वहन करूंगी, 18 की मतलब एम्प्लॉयड, ये लड़कियां भी करती ना वो ग्रुप लिविंग में रह लेती हैं, कुछ बाहर सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर जब इनको मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो वो खिल के निकल आती हैं। तो ये ऐसे भी केसेस हमने हैंडल किए हैं, महिला आयोग में रहते हुए भी किए हैं, यहाँ पर भी देखते ही हैं, तो आती हैं तरह तरह की बच्चियां। बिल्कुल। और ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। आप हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। आज दिन है बुधवार, बात होती है कानूनी, और उसकी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं मेहमान स्वाति रॉय जी और मैं हूं अलका सिंह, और आज बातचीत हो रही है इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इससे जुड़े हुए जो कानून है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसके क्या क्या मेजर्स हैं और कैसे रेस्क्यू किया जाता है, और जब रेस्क्यू करते हैं तो काउंसलिंग के द्वारा, जैसे आपने कहा कि कई बार जो अगर चाइल्ड मैरिज की जहां पे बात आती है, अगर वो 18 साल से कम की लड़की है, 21 साल से कम का लड़का है, तो अगर उसमें अगर वो थोड़ा 9th 10th 11th अगर इस तरह से वो पढ़ी होती हैं और उनको थोड़ी सी अगर गाइडेंस मिल जाती है, कुछ जो भी उनमें हुनर है अगर को हम विकसित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका पूरा व्यक्तित्व जो है वो खिलता है। तो जब हमने चाइल्डलेस की बात की, उसी तरह से फिर बॉन्डेड लेबर लॉज भी हैं बच्चों को बचाने के लिए, है ना, इसमें लड़कियां भी आती हैं, इसमें लड़के भी हैं, तो फिर ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? हाँ जी, बॉन्डेड लेबर लॉज में आपके जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अगर
पांच छह घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो फिर उनको बॉन्डेड लेबर में कहा जाता है, मतलब दे आर नॉट सपोज टू वर्क मोर देन 6 आवर्स. हाँ, मतलब जो 16 साल से 18 साल के बच्चे हैं वो फिर भी 5 आवर्स 6 आवर्स काम कर सकते हैं विद अ लंच ब्रेक, लेकिन जो उससे कम 14 साल के बच्चे हैं वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में कवर होते हैं, इसीलिए वो बच्चे उन घंटों के लिए भी काम नहीं कर सकते. उनका काम सिर्फ है पढ़ाई करना, वो सिर्फ अगर उनके माँ बाप कोई काम कर रहे हैं या फैमिली का कोई काम है तो उसमें कुछ घंटों के लिए पार्टिसिपेशन कर सकते हैं बस. तो ऐसे बच्चे जब रेस्क्यू होके आते हैं तो प्रॉपर रेस्क्यू टीम बनती है एसडीएम के अंदर में, और फिर वो रेस्क्यू होते हैं और उसके बाद जब वो डिफरेंट बेंचेस के सामने लाया जाते हैं यानी कि सीडब्ल्यूसीज के सामने लाया जाते हैं तो फिर उनको प्रॉपर होम में प्लेस किया जाता है. ठीक है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में उनको प्लेस किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उनके बैक वेजेस डिटरमाइन किए जाते हैं कि मतलब कितने दिन तुमने काम किया. जैसे कि रेस्क्यू होके बच्चे आए तो रेस्क्यू होके आने के बाद सबसे पहले उनके स्टेटमेंट होते हैं एसडीएम के सामने, फिर उनके स्टेटमेंट होते हैं लेबर डिपार्टमेंट के सामने जो कमिश्नर रहते हैं उनके, उसके बाद उन बच्चों को प्लेसमेंट के लिए हमारे पास ले आया जाता है. प्लेसमेंट एज इन गृह में, होम में, बिना सीडब्ल्यूसी बिना सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस किए हुए वो बच्चे जो है सो किसी भी हैंडओवर नहीं किया जाता, ना पेरेंट्स को दे सकते हैं आप ना उनको गृह में रख सकते हैं. तो वो क्या करना है उन बच्चों के साथ, उसके लिए वो सीडब्ल्यूसी में लाया जाता है. मतलब वो एक तरह से जैसे ये लेट्स कनेक्ट है, वैसे वो एक कनेक्टिंग फैक्टर है. वो गार्जियन है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. ओके, ठीक है, तो वो उन बच्चों के गार्जियन हो जाते हैं जो कि नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के बॉन्ड में जरूरत है, जिनको जरूरत है. उसमें सेक्शन 214 आता है जिसमें पूरे लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन है. सेक्शन 214(2) के अंदर में आता है चाइल्ड लेबर, जो भी इन लेबर लॉज में फॉल करते हैं और वो बच्चे हैं तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस होंगे. और अगर उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं रह रहे होंगे तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और उन बच्चों को तात्कालिक गृह में रखा जाएगा. जिनके मान लीजिए पेरेंट्स ही नहीं है तो फिर वो तो फिर गृह में रह ही जाएंगे, उनको खाना एजुकेशन सब कुछ वहां पर प्राप्त होगा और वो वहीं पर पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे. और जिनके पेरेंट्स होंगे उनको तो पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा उन बच्चों को. उनके बैक वेजेस मिले कि नहीं मिले वो फॉलो अप रखेंगे कि जो आपने काम किया था उसका, जो आपने काम किया वो मिनिमम वेज के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है लेबर डिपार्टमेंट से, और वो मिला कि नहीं मिला वो मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं. क्योंकि फॉलो अप्स पे हम उन बच्चों को बुलाएंगे जब तक उनके पैसे उनके अकाउंट में नहीं हो जाते तब तक हम उन बच्चों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि स्कूल में एडमिशन लिया कि नहीं. मान लीजिए गार्जियन के पास है तो स्कूल में एडमिशन लिए कि नहीं लिए, वेलफेयर ऑफिसर को डायरेक्शन देते हैं पैसे आए नहीं आए, एम्प्लॉयर को बुलाओ, एम्प्लॉयर से बात करते हैं कि पैसे क्यों नहीं जमा करवाए. तो वो सारा फॉलो अप करना उसको बार बार ताकि उसका उचित अधिकार उसको मिल सके, ताकि जब वो 18 साल का हो जाए तो उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सके अपने आगे के डेवलपमेंट के लिए. अच्छा, उस समय उसे पैसे नहीं दिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा, वो पैसे के अकाउंट में रहता है, 18 साल पूरा होगा तभी वो पैसा निकाल सकेगा. अच्छा, उससे पहले अच्छा, तो वो पैसे छू भी नहीं. उसको जरूरत क्या है? हाँ, जब आप सारी चीज, हाँ, जब माँ बाप सारी चीज, या तो माँ बाप सारी चीज उठा रहे हैं या तो सरकार उठा रही है, जब सारा कुछ हो ही रहा है तो उसको पैसे की तो कोई जरूरत नहीं है. तो उस केस में वो बच्चा अपना रहता है. माँ बाप बहुत बार आते हैं कि पैसे निकालने का परमिशन दे दो, मेरी बेटी की शादी है. तो नहीं, वो नहीं कर सकते, वो आपका काम है, वो आप कीजिए. ये जब 18 साल का, और अगर उस बच्चे को पॉकेट मनी चाहिए होती है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं नहीं. वो अच्छा, पैसा तो निकालना है 18 साल के बाद, जब वयस्क हो जाएंगे वो, जब उनको सरकार बनाने का अधिकार हो जाएगा उसी के बाद तो उनको पैसे निकालने के बाद वो पैसे निकालेंगे. ये तो बात बिल्कुल आपने सही कहा. और वैसे भी माइनर का भी जो अकाउंट होता है वो ज्वाइंट अकाउंट होता है, ज्वाइंट अकाउंट होता है. वो जब अगर चाइल्ड लेबर का केस है, वो बॉन्डेड चाइल्ड लेबर या चाइल्ड लेबर का केस है, तो उस केस में बिना सीडब्ल्यूसी के परमिशन के बैंक पैसे निकालने नहीं देंगी, चाहे आप 18 साल के भी हो जाओ. अच्छा, हाँ, तो उसमें अच्छा, वो रिटर्न ऑर्डर चाहिए. सीडब्ल्यूसी एक ऑर्डर लिख के देती है, उस ऑर्डर के बाद ही वो पैसा विड्रॉल का मिलेगा. या फिर एफडी होती है, जब तक वो 18 साल का ना हो जाए तब तक के लिए एफडी की जाती है, और एफडी तब ब्रेक कर सकता है जब पूरा हो जाएगा 18 साल का वो. बिल्कुल. और जब हम इस कार्यक्रम से पहले भी बात कर रहे थे तो उसमें एक बात आई थी कि जैसे कुछ तो बच्चे पीड़ित होते हैं, है ना, और कुछ जो होते हैं जो इस तरह के अपराध में लिप्त हो जाते हैं, है ना. तो इन दोनों की किस तरह से, इन दोनों की हैंडलिंग, जैसे आप बच्चों को जो महिला आयोग या आपका दिल्ली महिला आयोग है या चाइल्ड डेवलपमेंट, आपने दोनों में काम किया है इसलिए आप दोनों को बहुत अच्छे से बता सकती हैं. तो दोनों केस में जैसे महिलाएं भी हैं, अगर समझ लीजिए वो ट्रैफिकर हैं, कई बार होता है वो ट्रैफिकर हैं और कई बार ये होता है कि उनकी ट्रैफिकिंग हुई है. दोनों केसेस अलग अलग हैं, बिल्कुल ठीक है ना. तो फिर उन दोनों को किस तरह से
ट्रीट किया जाता है? हाँ, जो ट्रैफिकर होंगे फिर तो उनको उनके ऊपर आईपीसी के सेक्शन लगेंगे, जो मैंने आपको 370 अभी पढ़ के बताया, 370 और 70 ए जो और 373 जो मैंने आपको बताया अभी, तो उनके ऊपर तो वो लगेंगे। अगर वो माइनर है, अगर मान लीजिए ट्रैफिकर है, वो एक माइनर है, तब उसके केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे में वो प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, वो जो महिला होगी, हाँ वो जो महिला होगी, ऐसे भी केस मैंने हैंडल किया है। अच्छा, जो ट्रैफिक में लड़की ट्रैफिकर थी, अच्छा, और वो पहले खुद ट्रैफिकिंग का शिकार हुई, फिर बाद में अपने दोस्त बनाती थी आके और दोस्तों को लेके जाती थी और इस सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व करवाती थी। ओहो, दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर लेके जाती थी और गाड़ियों में सेक्स ट्रेड में वो इन्वॉल्व करवाती थी। और जब ये रैकेट खुला तो मतलब सबके तो बहुत चक्के ही उड़ गए कि एक लड़की जो खुद माइनर है, अभी 15-16 साल की खुद है, वो अच्छा, दूसरे लड़कियों को ल्योर करके ले जाती है इन चीज के लिए। तो ठीक है, तो वो उस समय वो प्रोड्यूस होती है खुद जुवेनाइल कोर्ट में, और जो बच्ची होगी जिनके ऊपर ये ऑफेंस हुआ होगा वो प्रोड्यूस होगी सीडब्ल्यूसी के सामने में। उसके ऊपर पॉक्सो का केस चलेगा जो कि सेशंस में ट्रायबल है, तो वहां पर उसका ट्रायल चलेगा आगे, जिसमें कि अक्यूज को जो भी पनिशमेंट मिलना होगा मिलेगा, और बच्ची का वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, एक जो ट्रैफिकर होता है और एक जिसपे ट्रैफिकिंग हुई होती है, जो पीड़ित हो, एक पीड़ित, हाँ एक पीड़ित हो गए और एक उत्पीड़न करने वाला। अच्छा, तो जो ये मानसिकता जो उत्पीड़न वाली होगी, जो कि जैसे आपने कहा वो 15-16 साल की लड़की है जो इसमें, मतलब वो खुद भी पहले तो पहले विक्टिम थी, एक्यूज हो गई और उसके बाद वो एक्यूज हो गई, तो फिर उसके माइंडसेट को जैसे आपने, मतलब आगे हम रिहैबिलिटेशन को थोड़ा अच्छे से विस्तार से वो करेंगे, तो फिर क्योंकि उसका माइंडसेट तो बड़ा, वो पीड़ित नहीं है, उसको कुछ मतलब उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, है ना, वो तो अब ये है। असल में क्या हुआ कि जब वो खुद विक्टिम थी तो उसको उस वक्त में प्रॉपर हेल्प नहीं मिला, है ना, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, हैंड होल्डिंग नहीं मिला कि हाँ बेटा तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है, उसको प्रॉपर काउंसिलिंग नहीं मिली। अगर उसको प्रॉपर काउंसिलिंग, प्रॉपर केयर उस वक्त में मिल जाता तो हो सकता है वो खुद ट्रैफिकर नहीं बनती, उसकी लाइफ चेंज हो गई होती। जैसे एक वो नहीं है कि मतलब अगर जो सास खुद पीड़ित होगी वो अपने बहू को जरूर पीड़ित करेगी, वो मानसिकता उसकी इस तरह से बन जाती है कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो दूसरे के साथ क्यों ना ही करूं। लेकिन उसमें अगर कोई व्यक्ति आपको या काउंसिलर या कुछ भी, या कोई फ्रेंड भी, कोई फ्रेंड या कोई मार्गदर्शक आपको मिल जाता है जो आपका हैंड होल्डिंग कर ले, जो आपको बताए कि नहीं ये इस पॉइंट पे तुम गलत हो या ऐसे ना करो, या जो भी जीवन का सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाए, ऐसा हुआ है तो ठीक है, हो सकता है कि कुछ कुछ परेशानियां हो, परिस्थितियां, परिवेश कुछ ऐसा रहा होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब तुम कोशिश ये करो कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ, अपने जीवन को बेहतर बनाने में जीवन लगाओ, समय लगाओ, दूसरे के जीवन को खराब करने में समय ना लगाओ। उस मतलब हमें तो यही लगता है ना कि वो भी एक बच्ची है, वो भी एक बच्ची है, लेकिन चूंकि वो खुद इस चीज का शिकार हो चुकी है और अब वो दूसरे साइड चली गई, अदर साइड ऑफ द टेबल, शी इज ऑल्सो इन नीड ऑफ हेल्प। इसीलिए जो जेजेबी भी है ना, वो बहुत लीनियंट व्यू अपनाते हैं इन बच्चों के प्रति जो उनके सामने प्रोड्यूस होते हैं, उनके प्रति एक लीनियंट व्यू इसीलिए अपनाते हैं क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि ये भी तो माइनर है, इनकी भी तो दिमाग और नहीं है कि वो चीजों को गलत सही समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही ये भी बात है ना कि जब आप इस तरह की चीजों को नकारात्मकता की तरफ जब आप चले जाते हैं तो ये जो काउंसिलर होता है उसके ऊपर इतना ज्यादा, आप इसको प्रेशर मत कहिए, मतलब वो जो आपके लिए इतना चैलेंजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट रोल काउंसिलर, मेरे ख्याल से ये पूरे चाइल्ड केयर में, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, वुमेन काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक काउंसलर का ही होता है, एक जीवन परिवर्तक का रोल उसका होता है। अगर आपका काउंसलर सही मिल जाता है वक्त पे तो वो आपका जीवन सही दिशा में मोड़ सकता है, गलत रास्ते पे जाने से आपको बहुत हद तक बचा सकता है। बिल्कुल, वो कई बार कहते हैं ना कि जैसे समझ लीजिए कि कोई डिवोर्स का केस अगर आता है और काउंसलर के पास आता है, अगर काउंसलर ने उसको प्रॉपर हैंडल कर लिया तो हो सकता है कि वो होते होते रुक जाए, म्यूचुअल समझा दिया जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी अच्छी हो जाए कि वो वापस लौट जाए, वो साइन करने की जरूरत ना पड़े, परिवार ना टूटे। लेकिन अगर काउंसिलर ने थोड़ी सी चूक कर दी तो फिर पेपर वर्क ही होगा, वो सिग्नेचर ही होगा, परिवार टूटता है। बिल्कुल। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का।
हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। आज हमारे साथ लेट्स कनेक्ट में हमारे विशेष मेहमान हैं स्वाति रॉय और मैं हूं अलका सिंह, और बातचीत हो रही है ट्रैफिकिंग, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, रेस्क्यू कैसे किया जाता है और क्या क्या काउंसलिंग में क्या क्या चीजें होती हैं कि फिर उस तरह की बात ना हो सके, घटना ना हो सके। अब जब ये बातें होती हैं तो जैसे अगर कोई इमोरल ट्रैफिकिंग के जाल में फंस गया है तो उसको उसमें से कैसे निकाला जाता है? हाँ, ये मैं बताती हूँ कि जैसे कि कोई महिला, कोई बच्चे अगर इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले ट्रैप में फंस जाते हैं, कोई उनको फंसा के यहाँ पे ले आते हैं, तो वो उनको उतनी तो समझ होती नहीं है। हाँ, एक तो उनका मेंटल वैसे ही लेवल बड़ा लो हो जाता है, तो उनको तो लगता है कि ये काम है, करना है। तो जब इन्फॉर्मेशन आता है डिफरेंट एनजीओ सेक्टर का, एनजीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम के पास में। फिर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होता है, अगर बच्चा रहता है तो एसडीएम, डीसीपीयू, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के जो ऑफिसर होते हैं वो हो गए, उस एरिया के पुलिस ऑफिसर हो गए, इन सबको, और वो चाइल्ड रेस्क्यू के लिए जो भी एनजीओ इन्वॉल्व है, चाइल्ड लाइन बेसिकली, वो ये सब मिलके एक टास्क फोर्स बनाते हैं और मीटिंग होती है, डिसाइड होता है कि कब किस डेट पे और उस पर रेड डालना है। अच्छा, ठीक है, तो प्रॉपर रेड होता है ये, तो मतलब लोकल पुलिस को तो इन्वॉल्व किया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता है कि किस पर्टिकुलर जगह पे रेड डाली जा रही है, उसको गुप्त रखा जाता है लास्ट मोमेंट तक। फिर रेड होती है, फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू करके फिर ब्रड्यूस किया जाता है। अगर बच्चे होते हैं तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने में, और अगर बड़े होते हैं तो फिर मैजिस्ट्रेट के सामने में, और अगर महिलाओं का रेस्क्यू होता है तो महिला आयोग भी बहुत सशक्त रोल उसमें निभा चुका है। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि महिला आयोग भी जीबी रोड से भी रेस्क्यू किया था, फिर रोहिणी वाले एक बाबा जी थे उनके यहाँ से भी रेस्क्यू किया था, और डोमेस्टिक हेल्प में अभी रिसेंटली एक बच्ची थी साउथ दिल्ली में, उसको भी रेस्क्यू किया था महिला आयोग की मदद से। तो वो रेस्क्यू होती है और फिर एसडीएम के सामने में बयान होते हैं, पुलिस के सामने बयान होते हैं, 161 उसको सत्यापित करने के लिए एसडीएम के सामने में फिर बयान होते हैं, और फिर जो एज पर लॉ प्रोसेस होता है, अगर सेक्शुअल ऑफेंसेस में कहीं इन्वॉल्व होता है तो उसके सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, नहीं तो सिर्फ ट्रैफिकिंग के सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो यही है रेस्क्यू का सिस्टम, और बच्चे होते हैं तो फिर उसका अपना अपना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में वो आ जाते हैं, बच्चे जो भी वहां से रेस्क्यू होते हैं तो फिर उनको गृह में रखा जाता है, उनका जीवन परिवर्तन के लिए अलग अलग कोशिश। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि जब जो ये रेस्क्यू जिनका किया जाता है तो वो महिला हो या बच्चे हो, क्योंकि किसी के साथ भी जब ये हादसा होता है तो वो बहुत ट्रॉमा से गुजरती है वो, तो कितने हद तक वो फिर से उस सामान्य जीवन में लौट पाते हैं, क्योंकि आपके पास इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं और आप उसको शुरू से, इनिशियल से लेकर के और लास्ट तक आप उसे देखते हैं। जी जी, जी। मैं आपको ना ये बात एक केस के थ्रू ही बताती हूँ। ये केस है दो बच्चियों का जो इस चीज में इन्वॉल्व हो गई थी। इन्फॉर्मेशन मिला हमें कि दो बच्चियां हैं जो कि सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, दोनों सगी बहनें थी, तो फिर उनको रेस्क्यू टीम बनी, उनको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने में प्रोड्यूस किया गया, और तो पाया गया दोनों के स्कूल सर्टिफिकेट जब देखे गए तो पाया गया एक 12 साल की हैं और एक 13 साल की हैं। अच्छा, जब उनके पुलिस स्टेटमेंट को पढ़े गए तो ये पाया गया कि उनके साथ गलत हुआ था और उनकी माँ इस चीज में इन्वॉल्व थी। अच्छा, एक दिन में तीन तीन या चार चार बार वो भेजी जाती थी, तो उनको फिर हमारे पास में लिखा गया, जब उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने में बयान दिया तो फिर बयान थोड़े बदल गए, फिर उसके बाद वो बोलने लगी नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं वैसा नहीं हुआ, बहुत स्टेटमेंट चेंज हुए, लेकिन हमने पहले स्टेटमेंट को ही सही मानते हुए उनको अपने पास रखा और उनको अच्छे से अच्छे होम में हमने रखा, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाई, उसमें से एक बहन पढ़ना चाहती थी उसे हमने पढ़वाया, उसमें से एक बहन वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहती थी उसे हमने वोकेशनल ट्रेनिंग करवाया, उसकी माँ हर दूसरे दिन हमारे आगे आके, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थी उसके आगे आके उसका रोना गाना होता था कि मेरे बच्चों को दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच है, सब कुछ करते कराते, लेकिन एक स्ट्रिक्ट व्यू लेते हुए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों को हमने बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया।
मतलब जब वो लास्ट टाइम हमारे पास आई थी तो उनके चेहरे की जो रौनक थी वो देखने ही बनती थी, जो फर्स्ट टाइम आई थी जो लास्ट टाइम आई थी। तो मुझे वही मैंने कहा कि एक चेहरे पे भी अगर खुशी हो जाए मेरे काम से तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं लगता। तो ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद है कि इतने लोगों की जिंदगियों में खुशी लाने का मुझे मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा भी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो आपसे बहुत सारी बातें हुई उसको लेकर के कैसे किया जाता है, क्या किया जाना चाहिए और उसमें हमारा योगदान क्या होना चाहिए। तो स्वाति जी, आप कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये कार्यक्रम यहीं तक, कल फिर किसी और विषय पर किसी अन्य मेहमान से भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अलका सिंह को। नमस्कार। नमस्कार।